ये तो मसला ही आसान हो गया। इतनी मज़ेदार स्प्रेड आप अपने फ्रिज में बना के रखिए, और कभी कभार आपको लाइट खाना खाने का मूड हो, या बच्चों को लंच में देने का, या फिर आपको पिकनिक पे जाना है, तो ये स्प्रेड आपकी हर जगह काम आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल चाहिए, और हमें चाहिए चीज़। क्रीम चीज़ आजकल हर जगह ईजीली मिल जाता है। अगर क्रीम चीज़ नहीं है तो आप क्यूब वाले चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें चाहिए मायनीज़, कोई सी भी, सिंपल सादी मायनीज़ लिएगा, कोई भी फ्लेवर वाली नहीं लिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च और हॉट सॉस, और साथ में हमें चाहिए मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट बहुत मज़े की लगती है, अगर आप कम डालना चाहते हैं तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे नमक, और अब हमें चाहिए बॉयल चिकन जो हमने पहले से बॉयल कर लिए। चिकन को आप थोड़ा सा नमक और चाहें तो काली मिर्च भी डाल के आप इसको बॉयल कर लें और इसके रेशे कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे गाजर। गाजर कद्दूकस कर लें। आप परेशान नहीं हो, जिन लोगों को गाजर नहीं पसंद वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन सही बात बताऊं तो इसमें आपको गाजर डालने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप सैंडविच देंगे कि इसमें गाजर भी थी, और इसका फ्लेवर एक क्रंची फ्लेवर आ जाएगा जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसमें गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गोभी डालने से चिकन का फ्लेवर थोड़ा कम महसूस होने लगता है। तो गाजर आपके फ्लेवर को बरकरार रखती है और बहुत मज़ेदार लगती है, और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें गाजर है। तो परेशान नहीं हो, बच्चों के लिए गाजर के साथ ही सैंडविच बनाइए। और हमारी मज़ेदार चिकन स्प्रेड बिल्कुल रेडी है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप इसको फ्रिज में 3-4 दिन भी अपने फ्रिज में रख सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया। इसके अंदर कभी भी यूज़ हुआ चमचा नहीं डाला करें। बच्चों को लंच में दें, या हस्बैंड को लंच में दें, या फिर आप अपने पिकनिक पे लेके जाइए। इसके ऊपर आप बॉयल एग रखें तो और मज़ेदार लगेगी। कभी कभार हम एक ही रूटीन के नाश्ते से भी परेशान हो जाते हैं, तो आप ये स्प्रेड बना के रखें, सुबह अपने ब्रेड पे लगाइए, और साथ में थोड़ा से सलाद का पत्ता ऐड करिए। एक बार ट्राई करें तो बार बार आपका दिल करेगा बनाने का, और बच्चे भी मांगेंगे। तो नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।